बहुत नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बहस का सबसे बड़ा शो देश को जवाब दो। मैं हूं आपके साथ माधुरी कलाल। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान हो चुका है। 58 सीटों पर मतदाता सियासी पार्टियों का भविष्य ईवीएम में कैद कर चुके हैं, लेकिन अब वायदों, दावों, पोस्टर और परचम वाली यूपी की सियासत में कर्नाटक वाले नाटक की एंट्री भी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के सियासतदानों ने कर्नाटक वाली हिजाबी आग से अपनी सियासी रोटियां सेकनी शुरू कर दी। हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी तो ऐसे उत्साह में आ चुके हैं मानो बिल्ली के भाग से छीका टूट गया हो। खुद को सियासत की लैला कहने वाले ओवैसी ने अब उत्तर प्रदेश में घूंघट और हिजाब के बीच जंग छेड़ दी है। यहां मुस्लिम वोट बैंक पर अपना हक जमाने वाले नेता अब हिजाब को हथियार की तरह ध्रुवीकरण की धार देने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। खुद को उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटों का सबसे बड़ा ठेकेदार समझने वाले लाल टोपीधारी अखिलेश ने इस मुद्दे पर अभी तक अपनी जुबान नहीं खोली। सवाल कई हैं। आखिर उत्तर प्रदेश में धर्म के नाम पर बंटवारे वाला नकाब ओढ़कर सियासी मलाई खाने वाले नेताओं को कर्नाटक वाली आग के लपटों से चिंगारी क्यों उठानी पड़ गई? यूपी के चुनावी समर में भगवा और लाल टोपी वाली जंग के बीच आखिर पर्दा पर गर्दा क्यों उड़ाया जा रहा है? अहम सवाल यही कि उत्तर प्रदेश की सियासत में हिजाब पर इतना उबाल क्यों है? उत्तर प्रदेश में हिजाब के मुद्दे का चुनावी कनेक्शन क्या है? ओवैसी ने घूंघट बनाम हिजाब वाला राग क्यों छेड़ दिया है, क्यों अलापा हुआ है? अखिलेश यादव ने हिजाब वाले मुद्दे पर चुप्पी क्यों साधी है? हिजाब वाले मुद्दे से क्या उत्तर प्रदेश चुनाव में असर पड़ेगा? 26 जिलों पर किसकी नजर? ध्रुवीकरण का फायदा किसे? बहुत सारे अहम सवाल, बहुत सारे अहम मेहमानों से मिलवाऊं उससे पहले रिपोर्ट देखिए, फिर डिबेट की शुरुआत करती हूँ। आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है भैया, क्यों हो रहा है दर्द आपके? हम कहने वालों रामपुर से सफाया होगा। जय श्री राम, जय श्री राम। आपका नाम बंटवारे वाला काम, नकाब का नाटक, साजिश की आहट, यूपी में नफरती ख्वाब, घूंघट वर्सेस हिजाब। यूपी में चुनाव, इसीलिए पर्दा पर गर्दा। कर्नाटक में हिजाब वाली आग से पूरा देश झुलस रहा है। इसी आग की तपिश से अब यूपी का सियासी पारा भी ऊपर चढ़ गया है। कर्नाटक के हिजाब विवाद ने यूपी की चुनावी सियासत में एंट्री कर ली है। खुद को सियासत की लैला कहने वाले असदुद्दीन ओवैसी की जुबान फिर से हिंदू मुसलमान वाली आग उगलने लगी है। संविधान स्कूल में कॉलेज में सस्पेंड नहीं होता है, समझा करिए आप। ये एक मल्टीकल्चरल कंट्री है। कल आपने नहीं देखा घूंघट पहन के वोट डाल रही थी महिलाएं, उसको क्या बोलेंगे आप? देश के अलग अलग हिस्सों में हिजाब वाले मुद्दे पर प्रदर्शन हो रहे हैं। वोटों के ध्रुवीकरण के लिए हिजाब के बहाने हिंदू मुसलमान वाला सियासी खेल जारी है। ओवैसी ने हिजाब के साथ साथ टोपी वाली जंग भी छेड़ दी है, तो बीजेपी ने हिजाब वाले सियासी षड्यंत्र पर करारा वार किया है। अगर असदुद्दीन ओवैसी भारत की पार्लियामेंट में दाढ़ी और टोपी पहनकर जा सकता है, तो क्या मेरी बेटी हिजाब और निकाब पहनकर स्कूल क्यों नहीं जा सकती? ये मामला अब कोर्ट में जा चुका। माननीय जब न्यायालय में चला जाता तो मुझे जहां मैं पर्सनली महसूस करता हूं, जब कोई भी मामला जब उच्च न्यायालय में जाता है, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, आपको सम्मान करना होगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी हिजाब वाले मुद्दे पर अपनी जुबान खोल दी है। उन्होंने ट्वीट कर हिजाब वाली सियासत को भाईचारे के लिए आघात बताया है। वहीं आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार ने बड़ा बयान देते हुए इसे कट्टर पंथियों का षड्यंत्र करार दिया है। हिजाब का मामला कट्टरपंथियों का एक क्रूर षड्यंत्र है। इसकी जांच भी करवा लेनी चाहिए। अगर राजनीतिक दल इसको हवा देते हैं तो वह संविधान विरोधी है। यूपी के चुनावी समर में जिन दलों की नजर मुस्लिम वोटों पर है, वो इस मुद्दे को हवा देकर मुस्लिम वोटों को अपने पाले में खींचने की जुगत लगा रहे हैं। मुसलमानों का वोट जब पड़ता है तो किसी एक दल के पक्ष में ही पड़ता है। यूपी में एक मुश्त करीब 15-18% वोट को कोई भी राजनीतिक दल गंवाना नहीं चाहता। इसीलिए यूपी में उन तमाम मुद्दों को हवा देने की कोशिश की जा रही है जिसके जरिए ध्रुवीकरण किया जा सके। कर्नाटक का हिजाब मामला इसी का परिणाम है।
यही वजह है कि अब यूपी में पर्दा पर गर्दा उड़ाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त तमाम मेहमानों से मैं आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ इस डिबेट में आज अनिला सिंह रहेंगी, बीजेपी से प्रवक्ता हैं, डॉक्टर एम एच खान साहब रहेंगे प्रवक्ता हैं, बीएसपी से अजय वर्मा साहब हैं नेता हैं, कांग्रेस के शबनम खान हैं सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अतिकुर रहमान हैं मुस्लिम स्कॉलर हैं। चूंकि मैं चाहती थी कि आज मीम से मेरे साथ एक गेस्ट बैठे इस डिबेट में, इस पैनल पे वो नहीं बैठना चाहे, लेकिन अतिकुर रहमान साहब एक बात बताइए, घूंघट वर्सेस हिजाब उत्तर प्रदेश के इलेक्शन से क्या कनेक्शन रखता है? कोई मसला कोर्ट में है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम दखल नहीं देंगे जब तक कर्नाटक हाईकोर्ट को फैसला देने दीजिए, उस पर जो भी कोर्ट फैसला देती है, अदालत फैसला देती है, आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए सर्वमान्य है, लेकिन ये चुनाव से क्या कनेक्शन है? ऐसा नहीं लगता कि नकाब का ये नाटक खेलकर साजिश किया हट करते हैं? क्या ये मानना है कि इस इंसिडेंट को, इस पर्टिकुलर इशू को आइसोलेटेड इंसिडेंट मानना बेवकूफी होगा? बीजेपी ने हर वो कोशिश की है हमारी कम्युनिटी को लेकर डिमोरलाइज करने की, हर इशू के ऊपर। हादिया का केस आप जानती हैं अच्छी तरह से, ट्रिपल तलाक के ऊपर किस तरह से कम्युनिटी को डिमोरलाइज करने की कोशिश की, अयोध्या का मामला तो था ही था। अब इन्होंने ऐसी जगह चोट करने की कोशिश की है जो कि बहुत बहुत बुनियादी है, बहुत बहुत फंडामेंटल है। ये जानते हैं, डू यू बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशन, डू यू बिलीव इन कोर्ट सर? आप बिलीव करते हैं ना कोर्ट में? अगर बिलीव नहीं करती थी वो छह लड़कियां कभी कोर्ट नहीं जाती, तो फिर उन्होंने कोई, तो फिर कोई उसका, फिर उसका राज चुनाव में क्यों, मैं ये पूछ रही हूँ सर, उससे उन्होंने कोई उससे वैसे भी तो ध्रुवीकरण की ही कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया जस्टिस के लिए, गुंडों का सहारा नहीं लिया, भगवाकरण करने का सहारा नहीं लिया। आप समझ सकती हैं कि अगर अगर इसको रिलीजियस एंगल आप देना चाह रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से, तो 96 लड़कियां हैं माधुरी जी उस कॉलेज के अंदर, सिर्फ 6 ने पिटीशन किया। अगर ये इस्लामिक कलर देने की कोशिश इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से होती तो 96 लड़कियां गई होती। मैं उन लड़कियों की बात नहीं कर रही हूं सर, मैं अभी भी पूछ रही हूं कि संविधान में और अदालत में आपको और मुझे भरोसा है। मैं ये सोच रही हूं कि जो हाई कोर्ट कहेगा उसे सुप्रीम कोर्ट मानने को तैयार है, सुप्रीम कोर्ट जो वर्डिक्ट दे उसे हम सब मानने को तैयार हैं। उसमें ओवैसी साहब ने उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में क्यों हिजाब 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 ला दिया है? ये बंटवारे का काम नहीं है तो क्या है सर? कल प्रधानमंत्री ने क्या किया? क्यों ट्रिपल तलाक का इश्यू उठाया? क्या जरूरत थी? कानून बन गया है ना, कानून अपना काम कर रहा है। शबनम खान, ठीक है सर, ठीक है, आप आज सर बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टी की तरह मुझे रिप्लाई कर रहे हैं। मैं आपसे फिर पूछ रही हूँ, डू यू बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशन, डू यू बिलीव इन कोर्ट? शबनम खान, अगर अगर नहीं करते होते माधुरी जी तो सर आ रही हूँ सर, शबनम से चाहिए मुझे इस पे कॉमेंट। कोर्ट में हमको यकीन है, भरोसा है। एक शबनम खान नहीं, पूरे देश का एक एक व्यक्ति सब कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं। वैसे जी भी तो हर वक्त कॉन्स्टिट्यूशन हाथ में रखे घूमते रहते हैं, हर वक्त सबको बताते रहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, हमारा संविधान, हमारा संविधान। लेकिन जब संविधान की बात आती है तो कभी शरिया पर चले जाते हैं। अब मैं बोल रही हूँ कि स्कूल में तो वैसे भी पढ़ता है, क्या स्कूल में वो ये वाली टोपी लगा के जाते थे? स्कूल की ड्रेस कोड थी, बचपन से देखते आ रहे हैं, हम भी पढ़े हैं सब लोग, आप भी पढ़िए हैं, वो खुद भी पढ़कर आए स्कूल में। आप और हम, मेरे छोटे बाल थे तो मेरे को एक व्हाइट हेयर बैंड या रबड़, ये वाला व्हाइट रबड़ बैंड लगाती थी मैं, या फिर लड़कियां दो चोटी करके आती थी, सब एक जैसे। और अब आप कह रहे हैं कि मुझे ये करने दीजिए। देखिए, ये ना सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दा है, इसका मुस्लिम कम्युनिटी से कोई लेना ही देना नहीं। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने अब मुसलमानों को यही बना लिया है कि अब हमें इनका इस्तेमाल इसी तरह से करना है, वोट लेने के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई का हथियार बना रहे हैं अब मुसलमान को। वोट तो मुसलमान फिर भी इन्हीं को देकर आता है, किस भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी देकर आता है। आप सब जो सोच रहे हैं ना कि वोट बैंक ले, वोट के लिए लेने के लिए कर रहे हैं, जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई खुद तो कर नहीं पा रहे, तो मुसलमान एक इतना सॉफ्ट हथियार है इनके हाथ में कि इनका इस्तेमाल करो। क्योंकि
बेटी को आगे बढ़ाने की बात कोई नहीं करेगा। अब बताइए मुझे कि पढ़ाई के लिए जो माँ बाप कॉन्वेंट स्कूल में अपनी बेटी को डालने जा रहे हैं, वो कम से कम इस दिमाग से तो ऊपर उठ गया होगा कि हिजाब पहन के जाएगी कि बिना हिजाब पहन कर जाएगी, या मेरी बेटी अरे सलवार सूट में भी जा सकते हैं कॉलेज में। मैं तो बोल रही हूँ कॉलेज में अलग अलग तरीके के बच्चे आने दीजिए ना, जाएगी कुछ समझेगी कुछ पढ़ेगी कुछ अच्छे अपने जो फ्रेंड्स होंगी उनसे बात करेंगी। मुस्लिम लड़कियों को कहाँ आप चंगुल में फंसा रहे राजनीति। अभी आपने शाही होता है हमारे कॉलेजेस में, ये मुद्दा अब तक तो था नहीं। तो मुद्दा तो आप बना रहे हैं ना, मुद्दा था ही नहीं, मुद्दा है। अरे मुद्दा था ही नहीं सर, मुद्दा था ही नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ। जो सिर्फ एक ड्रेस कोड का मसला था, उसे पूरी तरीके से धार्मिक रंग देके उसमें बंटवारे का काम, क्या जरूरत है राजनीतिक रैली में ये बताने की कि मेरी बहन बेटी हिजाब पहनेगी क्या कर लोगे। अरे मना कौन कर रहा है, पहनी है ना, कौन मना कर रहा है। एक डिसिप्लिन एक डिकोरम की बात है किसी प्री यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेज की, जिसे आप अब वो कोर्ट में चला गया, कोर्ट में लड़ने दीजिए। अजय वर्मा जी को लाइए, वर्मा साहब ने प्रियंका गांधी जी तो उसमें लड़की हूं लड़ सकती हूं भी जोड़ दी, उन्होंने तो अपना कैंपेन जो उनका नारा था वो भी जोड़ दिया उसमें, कहां लड़की हूं लड़ सकती हूं, कहां वुमेन को हरेस करने की बात की गई, मुझे ये बता दीजिए। माधुरी जी मेरी एक चीज समझ में नहीं आती इस देश में, बीजेपी की सरकार देश में भी है कर्नाटक में, बीजेपी शासित प्रदेशों से ये मुद्दे ही क्यों उठते हैं आखिर, जिन मुद्दों का कोई महत्व नहीं होता। आप कहती हैं राजनीति, राजनीति तो आप करा रही हैं, इस पे डिबेट करा रही हैं, काहे डिबेट करा रही हैं सर। मैं राजनीति करा रही हूँ, मैं इश्यू पे आपका कमेंट दर्शकों को सुना रही हूँ, मैं राजनीति करा रही हूँ, कैसी बातें कर रहे हैं आप। ये कह रही थी ना अभी थोड़ी देर पहले, राजनीति क्यों कर रहे हैं इस पर, ये डिबेट। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप राजनीति क्यों कर रहे हैं इस पे, डिबेट आप कर रही हैं। लड़ सकती हूँ लिखते हैं, मैं बता तो जा रहा हूँ, पहले बता तो दूं, डिबेट आप कर रही हैं चैनल पर, तो ये इसका मतलब कोई मुद्दा है, जब तो डिबेट हो रही है वरना क्यों करती है। तो मुद्दा ये है कि भाई जिस पूरे मसले को कोर्ट हल कर लेगी उसमें आप उसको राजनीतिक मंच पे ले आए, उसमें आप अपने हैशटैग कैंपेन चला रहे हैं। हम भी लेके आए, एक एजेंडा सेट कर रखा है। मैं बताता हूँ ये किसका एजेंडा है, एक्चुअली में बीजेपी की एक प्रयोगशाला है, उन्हें यह पता लग गया कि पहले चरण के 58 सीटों पर 8 सीट आ रही हैं। उन्होंने कहा 10 तारीख तक इस तरह के कई एजेंडे केंद्र भेजी बीजेपी शासित प्रदेशों से, अब आएंगे इन चुनावों के लिए, चुनाव 5 स्टेटों में आएंगे उनके बाहर के मुख्यमंत्रियों से। उनका कारण यह है कि इनकी एक प्रयोगशाला एक सीडी भेज देती है अपने स्टेट के मुख्यमंत्री को कि यहां आप एक एजेंडा सेट कर दीजिए, और ताकि माहौल पोलराइजेशन ऑफ द वोट। पता ही नहीं था अजय वर्मा जी को आपने स्ट्रेटेजी में इतना इन्वॉल्व कर रखा है। अनिला जी देखो बीजेपी की, सुन लीजिए, राज्य सरकार ने, मेरा पूरा तो सुन लीजिए माधुरी जी, राज्य सरकार ने 1983 के सेक्शन 133(2) को क्यों लागू किया। राम राम माधुरी जी, और मुझे हंसी वालों में किस बात की आ रही है, यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की 8 आ रही है, तो फिर कांग्रेस की तो एक भी नहीं आ रही। हमें तो देश की चिंता है, अपनी सीटों की चिंता नहीं है, मतलब इस देश से हम सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा। भारतीय जनता पार्टी सरकार साहब जिसका टारगेट ये है, आप लोग कहाँ पर हो, तो फिर तो आप 10 फुट जमीन के नीचे गड़ चुकी है कांग्रेस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अगर भारतीय जनता पार्टी की 8 सीटें आ रही हैं तो कांग्रेस तो बिल्कुल 10 फुट जमीन के नीचे गिर चुकी है। और दूसरी बात माधुरी जी ये है कि बात यहाँ पर महिलाओं की है, बात यहाँ पर बच्चियों की है, बात यहाँ पर हमारी बेटियों की है, बात हमारी यहाँ पर हमारी माओं की है। तो यहाँ जब मैं महिलाओं का विषय लेकर आती हूँ, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म से आती हो, जब जब महिला को कमजोर किया जाएगा, अनिला सिंह जैसी महिला उठेगी और अपनी आवाज से की गूंज से ये बताएगी कि आप जो है राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करिए, महिलाओं बहन बेटियों को अपना राजनीतिक हथियार बनाना बंद करिए। क्या हम जानते नहीं कि वहां पे हुआ क्या, यूपी जैसी एक छोटी सी जगह में इतना बड़ा मसला कैसे हो गया कि नेशनली और इंटरनेशनली इसकी खबर बन गई। हाँ मलाला जैसी जो महिलाएं जो अपने आप को जिनको नोबेल पीस अवार्ड भी मिला है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर तो ये लिखा जा रहा है आज वो हिजाब बैन प्रोटेस्ट। मुझे बताइए कहां बैन किया है, देश में किस हिस्से में किस जगह पे हिजाब आप लोगों ने बैन कर दिया, किसी सरकार ने बैन कर दिया। अरे कांग्रेस की सरकार ने भी बैन किया, अजय वर्मा जी कहां बैन कर दिया हिजाब, सरकार ने बैन किया इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर। प्रॉब्लम ये है ये सरकार महिला विरोधी सरकार है। पहले आपने देखा कुन्नाब की बेटी के साथ क्या हाल हुआ पूरे देश में, फिर एक बुलंदशहर में घटना हुई है। बेसिकली क्या है, अनिला जी का तो हम बड़ा सम्मान करते हैं,
अनिला का हम बड़ा सम्मान करते हैं, अब ये गलती से गलत पार्टी में जुड़ी हुई है, अब इनका क्या कर सकते हैं। लेकिन ये महिला विरोधी सरकार है, ये लोग आरएसएस का एजेंडा चला, घर घर में शौचालय पहुंचा दिए तो महिला विरोधी हो गए। हिजाब का मतलब जो है, हिजाब पहले मेरी तो सुन लीजिए, हिजाब का मतलब होता है पर्दा, जबरदस्त अपनी मौजूदगी दिखा रही है। हिजाब का मतलब होता है पर्दा, और पर्दे का मतलब होता है कि हिंदुस्तान में पर्दे की मान मर्यादा होती है। अरे भाई पर्दा है पर्दे से, इस पर्दे से, इस पर्दे से बीजेपी के नेताओं को क्या प्रॉब्लम है, इस पर्दे से बीजेपी के मुख्यमंत्री को क्या प्रॉब्लम है। मुझे ये एक्चुअली में महिला विरोधी सरकार देश का टारगेट ये है कि महिला को टारगेट कि घूंघट इस पर्दा, हिजाब इज नॉट पर्दा, हिजाब इज जस्ट हेड स्कार्फ, हेड स्कार्फ है इनका विधायक जिसे रहने। एक मिनट वर्मा साहब, एक मिनट खान साहब को जोड़ दीजिए मुझे, एमएच खान साहब। कुरान में हिजाब, सर आई रियली नीड योर कॉम्प्लीमेंट, योर कमेंट ऑन दिस कि ये हिजाब का मतलब जो समझा रहे हैं पर्दा, और पर्दे की मान मर्यादा समझाने लगे, और उसको राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे क्यों ले जाना चाहिए वो भी ये समझाएंगे मुझे आगे। मुझे ये बताइए कि क्या इस देश में इस बात पे भी राजनीति होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरा मामला कोर्ट में है। जी बिल्कुल ठीक कर रही हैं आप मधुर जी, ये मसला एक स्कूल का है। स्कूल का कोड अगर है, ये कहता है कि आप हिजाब पहन के नहीं आ सकती हैं, तो किसी भी बच्ची को, मुस्लिम बच्ची को नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर स्कूल के बाहर हिजाब पहन के वो जा रही है तो 25 से 30 40 लोग जो है नौजवान उसको घेर रहे हैं, उस मासूम बच्ची को घेर रहे हैं, चाहे वो हिंदू की हो, चाहे मुसलमान की हो, चाहे किसी की लड़की को। Agree. ये जो घेरने वाला काम इन्होंने किया है, ये बहुत ही असंवैधानिक काम किया है, नहीं करना चाहिए। और उस लड़की के पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए कि हम वही भेजें, उसी स्कूल में भेजें जहां हिजाब अलाउ नहीं है, वहां भेज के जबरदस्ती हिजाब के लिए आप फाइट करिए, ये उचित मैं नहीं समझता हूँ। और ये इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। दूसरी बात यह कि संविधान भी हमारा इजाजत नहीं देता। हमारा संविधान कहता है जो चाहे खाए, जो चाहे पहने, जो चाहे धर्म अख्तियार करे, और जो कपड़ा पहनना चाहे पहने। लेकिन इस चीज को हिंदू मुसलमान करने की कोशिश, सर इसका चुनाव से क्या कनेक्शन है मुझे बताइए, ओवैसी साहब को क्या मिलने वाला है इससे। मैं कह रहा हूँ ना, ये इसको हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है, जबकि ये है नहीं ऐसा, ऐसा कुछ नहीं मसला। एक लड़की को हिजाब में नहीं जाना है, स्कूल प्रशासन अगर उनको रोक रहा था तो समझ में आती बात है, स्कूल प्रशासन तो रोक नहीं रहा था, वहां पर बाहरी लोग आकर रोक रहे थे। तो ये इसको इच्छुक संज्ञा लेना चाहिए। इसी पर जो है दूसरे लोग रोटियां सेक रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। स्कूल प्रशासन के लोग अगर रोक रहे हैं तो उनको आप संज्ञान में लीजिए, लेकिन बाहरी व्यक्ति अगर रोक रहा है, छेड़ने की कोशिश कर रहा है, कानून तो यहां तक बन गया है कि लड़की को घूरिएगा तो भी मुकदमा कायम हो जाएगा। रहमान से भी चाहिए कि ये जो पर्दे की मान मर्यादा भी अजय वर्मा जी समझा रहे थे हिजाब के साथ, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। मसला पूरा कोर्ट में है। मैं फिर कह रही हूँ कि अगर इस देश के संविधान में, इस देश के कानून में लोगों को भरोसा नहीं है तो फिर उन्हें इस देश में रहने पर सोचना चाहिए। छोटा सा ब्रेक, वापस लौटती हूँ। हिजाब विवाद का चुनावी कनेक्शन क्या, ये समझने के लिए तमाम मेहमान लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। मैं अजय वर्मा जी आपको वापस जोड़ रही हूँ, शबनम खान जी को लाएगा। शबनम जी, अजय जी कह रहे हैं कि ये तो पर्दा है और ये मान मर्यादा वाली बात है, लेकिन मैं इनसे पूछ रही हूं कि किसी ने मान मर्यादा के लिए मना नहीं किया है, कहीं ये बैन नहीं हुआ है। एक स्कूल के डेकोरम को मेंटेन करने की बात थी बस, और उसके बाद भी वो मसला कोर्ट में है। मैं बोलूं या बहन जी बोलेंगी? सर आप बोल लीजिए पहले, फिर उसका जवाब शबनम जी दे देंगे। देखिए राज्य सरकार को 1983 के सेक्शन 130(2) को 5 जनवरी को लागू करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? अगर स्कूल का छोटा सा मामला आता तो शुरुआत तो भाजपा और उसकी सरकार ही करते हैं ना। उत्तर कर्नाटक सरकार ने इसको एक संविधान बना के 5 तारीख को लागू क्यों कर दिया? अगर स्कूल का छोटा सा मामला था, हम नहीं, इसके जनक भी यही हैं और इसके खत्म करने वाले भी यही लोग हैं। एक्चुअली में इन लोगों का पॉलिटिकल विंडेक्टा और एजेंडा है।
एक आईटी सेल ने 10 मार्च तक के लिए बहुत सारे सिस्टम बना रखे हैं, अभी तो और क्या क्या चीज आएंगी, अभी तो ये आया है। तो हमारा ना तो हमें इससे कोई ऐतराज है, संविधान पे विश्वास रखते हैं, कोर्ट में विश्वास रखते हैं, जो होगा वो करे, अच्छा है, हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हम तो इनके सब्जेक्ट और इनकी नीति और नियत को उजागर कर रहे हैं कि किस तरह से मुद्दों से भटकाकर रोजगार पे बात नहीं करेंगे, तेल पर सरसों पे बात नहीं करेंगे, काले धन पे बात नहीं करेंगे, गरीब अमीरी पे बात नहीं करेंगे, पेट्रोल डीजल पे बात नहीं करेंगे। ये मुद्दा इलेक्शन में कौन लेकर आया, कौन लाया है बताइए, कौन लाया आप बताइए, आप ही तो बताए ना, हैशटैग लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, कौन लिख रहा है इसके लड़के साथ? लड़ सकती को तो सपना तो हम राय दे रहे हैं, अगर राय दे रहे हैं देखिए, और अपना चुनावी कैंपेन, अपना चुनावी साहब, इन्हीं की भी टीम है, इन्हीं की भी टीम है, इसमें कोई डाउट ना माने, इन्हीं के सिस्टम से आज तक भी जितने भी सिस्टम चले हैं, कितने उनके भाइयों के और उनके, आपने देखा हो बयान है, कभी उन पर आज तक कोई मुकदमा इनकी तरफ से इसलिए नहीं होता। शबनम जी, शबनम जी, ये अब मतलब अपना पल्ला झाड़ने के लिए आपने ओवैसी को फिर बी टीम बना दिया? नहीं नहीं, हम तो है ही इनकी बी टीम, हम तो आपसे सामने कह रहे हैं, इसमें कौन सा गुना बात कर रहे हैं गलत, लेकिन हम बीजेपी से ये कहना चाहते हैं कि आखिर मत करो जुर्म की दुनिया तामीर, एक शेर के माध्यम से, कि मत करो जुर्म की दुनिया तामीर, जल जले बेशवब नहीं आते। अरे भाई साहब, मैं यही हूँ कि ये जुल्म की जो बात हो रही है वो कहाँ हुआ है, कहाँ देश में किस जगह किसने बैन कर दिया, स्कूल की बात है। प्रियंका जी ने जो ट्वीट किया था उसको मैं क्या पढ़ के सुना, आप चाहते हैं? मुझे याद है 136, आपको याद होगा, आपने अच्छे से पढ़ा होगा, 136 वो जिस तरह के वस्त्रों की बात कर रही है, क्या क्लासरूम में वो इन वस्त्रों की बात कर रही थी? 136 करोड़ लोग ये चाहते हैं बीजेपी के आईटी शबनम खान, शबनम खान आंसर कीजिए, छोड़कर कि इस देश में मुद्दों पर बात हो, मुद्दे तुम आप मुद्दों पर बात करिए ना, कौन कह रहा है? हम तो मुद्दों पर ही लड़ते हैं। आप तो इस तरह के मुद्दों को उठाकर उस पर अपना कैंपेन चला देते हैं। हमने नहीं उठाया, हमने तो आपसे डिबेट करा रही हैं। शबनम जी की आवाज आ रही है क्या प्लीज, पीसीआर टेल मी, मेरे को आवाज नहीं आ रही स्क्रीन पे, पीसीआर बोलू? हाँ मैम कंटिन्यू कीजिए प्लीज, आपका अभी तक म्यूट था आवाज। मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको सच में ही बहन बेटी की इतनी चिंता थी, और आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लेकर आई थी पहले कानून, आप उनसे लड़ाई लड़ते ना, ये बहनियों को सारी लड़कियों को क्यों इस्तेमाल करने लगे? एक मिनट में आपके पूरा, मैं देख रही हूँ पूरे देश भर में प्रोटेस्ट चालू हो गए पूरे, ऐसा कौन सी घटना घट गई है भाई? क्या करते हैं आप मुसलमानों का इस्तेमाल करने के लिए, क्या क्या नहीं करते हैं आप मुसलमानों का इस्तेमाल करने के लिए? मैं पूछ रही हूँ ऐसी कौन सी घटना घट गई है बड़ी? एक स्कूल ने कहा आप हिजाब लगाकर अंदर एंट्री नहीं करेंगे, तो स्कूलों में, तो सारे स्कूलों में यही पैटर्न था है, और शायद भविष्य में कुछ बदले तो मुझे नहीं पता, मैं ज्योतिषी नहीं हूं, मगर मैं आपसे ये पूछ रही हूँ अगर भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई है तो उससे लड़िए ना, मुसलमानों को उकसा उकसा कर मुसलमानों का इस्तेमाल क्यों शुरू कर देते हैं? अब आपने उस बेटी को, वो बिल्कुल जो भगवा फहराने वाले लड़के उसको दिखा रहे थे झंडा, उसको सब अपोज कर रहे हैं, सारे मेरे हिंदू भाई भी अपोज कर रहे हैं, बिल्कुल वो गलत है, वहां पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, वो कोई दूध के धुले नहीं है, उनको किसी ने अधिकार नहीं दिया कि इस तरह से किसी को भी इस तरह से रोका जाए। एम एच खान साहब जवाब दे रहे हैं, क्या जरूरत है, खान साहब जवाब देना चाह रहे हैं, एक मिनट खान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, वापस आ रहे हैं, मुसलमान औरतें बाहर नहीं देख सकती भाई, मुसलमान औरतें हिजाब नहीं लगाएंगी, ऐसा कोई कानून आया है क्या? आपने मुसलमान औरतों को लेके हंगामा मचा दिया, हर जगह मुसलमानों को बदनाम कराने का काम करते हो आप लोग, आपको कोई और जाति नहीं मिलती है क्या? जिसे देखो मुसलमानों के पीछे पड़ा है, जिसे देखो मुसलमान की वोट के लिए अपनी तरह से इस्तेमाल कर रहा है, क्यों करते हैं भाई ऐसा? क्या स्कूल में आपकी बेटी बिकनी पहन कर जाएगी? मुझे बताइए जरा कि मेरा अधिकार है मैं तो बिकनी पहन के जाऊँ, नहीं कॉलेज तक में, जहाँ कॉलेज में साड़ी जीन्स सब पहनकर आते वहां भी बिकनी नहीं पहनकर जाता अजय भाई, आप सोच कर देखिए आप कौन सी बातें बोलते हैं, ये आपकी हार के कारण है ये सब। से पूछिए शबनम जी कि आप बीजेपी से पूछिए सरकार उनकी 5 फरवरी को संविधान बनाने की क्या जरूरत पड़ गई थी कर्नाटक सरकार को? कर्नाटक में कोई ब्रिटेन की सरकार नहीं है, कर्नाटक में कोई अमेरिका की सरकार नहीं है, ब्रिटेन साहब की, खान साहब को लाइए, खान साहब कर्नाटक में मेरी बहन, खान साहब को लाइए, उसके बाद सरकार है तो बीजेपी की है। अरे भैया जवाब दे देंगे बीजेपी वाली, असम के मुख्यमंत्री महंगाई पर और रोजगार पर कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं खान साहब? देखिए मैं कह रहा हूँ, देखिए अभी शबनम जी चुप जाए तभी तो बोले कोई, शबनम जी चुप बोलिए सर, शबनम जी आप इतना ज्यादा मुसलमान मुसलमान कर रही हैं,
जैसे लगता है कि यहाँ पे भारतवर्ष में हिंदू रहते ही नहीं है। मुसलमान को टारगेट, मुसलमान को टारगेट, मुसलमान को टारगेट, ये क्यों रट लगा रखा आपने? मुसलमान का ही टारगेट नहीं हो रहा है, ये आप लोग कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं टारगेट, आप लोग कर रहे हैं टारगेट। आप बात सुनिए, आपसे पीछे नहीं बोल रहा था, सुनिए आप, आप सुनिए, चुपचाप बैठ के सुनिए। खान साहब कह रहे हैं मुसलमानों को कोई टारगेट नहीं कर रहा है, ठीक है, मैं भी यही कह रही हूँ कि उनको कोई टारगेट नहीं कर रहा है। कांग्रेस लगातार कह रही है कि आप उनको हरेस कर रहे हैं। अरे कहाँ कर रहे हैं हरेस? अरे भाई बात तो सुनिए ना मैडम, बात सुनिए, इतना चीख पे चिल्लाने से काम नहीं चलता। खान साहब को बोलिए, चीख पे चिल्लाने से काम नहीं होता है। आप चीख पे चिल्लाइए, जितना चाहे चिल्लाइए, उससे कोई फर्क पड़ता है? आप जितना चाहे चीखे चिल्लाइए। शबनम जी प्लीज सर, प्लीज मैम, खान साहब को कंप्लीट करने दीजिए अपनी बात, फिर अपनी बात रखिएगा। ऐसे पीसीआर प्लीज अंडरस्टैंड दिस, कुछ करेंगे नहीं, आवाज ठीक कराइए सबकी। खान साहब देखिए, शबनम साहब कितनी बेचैन है मेरे समझ में नहीं आ रहा, फैक्ट्स पे बात नहीं कर रही है, खाली मुसलमान मुसलमान चिल्ला रही है, एक आदमी कोई बैठा हुआ हिंदू हिंदू चिल्ला रहा है, तो क्या है मतलब इसका? देखिए सीधा सा मसला है कि उस स्कूल का अगर ड्रेस कोड नहीं है तो लड़की को नहीं पहन के जाना चाहिए था, और लड़की अगर पहन के गई तो स्कूल के प्रशासन को रोकना चाहिए था। बाहरी आदमियों को जो गमछा लगा करके किसी तरह का गमछा लगाया थे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ कौन सा गमछा है, लेकिन गमछा लगा करके एक लड़की चाहे हिंदू की हो चाहे मुसलमान की, अगर इस तरह से उसको हरेस किया जाएगा तो ये संविधान के खिलाफ काम होगा। यहाँ कहीं हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है, इसको हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं यही कह रही हूँ, मैं यही समझा रही हूँ अजय जी को कि ये हिंदू मुसलमान का मामला है ही नहीं, ये एक ड्रेस कोड का मसला था जिसे सिर्फ धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई। क्या मैं गलत कह रही हूँ? फिर से अतिकुर रहमान आपके पास आ रही हूँ, क्या मैं गलत कह रही हूँ? सिर्फ वोटों का हिसाब चाहिए कुछ लोगों को? माधुरी जी नहीं, ये बात को ट्विस्ट किया जा रहा है। कोर्ट के अंदर सब्जुडाइज मैटर है, हम लोग अगर जिम्मेदार नागरिक हैं और इसके ऊपर बहस कर रहे हैं तो हमको इंटरवेनिंग पीरियड इस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए कि कहीं ना कहीं से हम लोग एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ सके। यहाँ पर कॉमन प्लेटफॉर्म पे आना इसीलिए जरूरी है, चलिए अगर गलती किसी की भी हो गई, हमारी भी हो गई, तुम्हारी भी हो गई, अब एजुकेशन को मद्देनजर रखते हुए माधुरी जी सिर्फ और सिर्फ हमारा केंद्र बिंदु ये होना चाहिए किस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी को एजुकेशन से जो ऑब्स्ट्रक्ट करने वाले फोर्सेस हैं उनको एलिमिनेट किया जाए। अदालत से भी हमारी यही दरखास्त रहेगी कि ऑब्स्ट्रक्शन इन द एजुकेशन ऑफ एनी कम्युनिटी स्टॉप होना चाहिए। माधुरी जी मैं आपको बताऊं, हम लोगों ने बहुत कोशिश के बाद में अपनी महिलाओं को, अपनी लड़कियों को स्कूल तक पहुंचाया, तब से गिरा हुआ अगर किसी का फिगर है एजुकेशन के मामले में तो वो मुस्लिम कम्युनिटी का है, और अब उसको ऑब्स्ट्रक्ट तो उसके लिए भी, उसके लिए भी कुछ लोग जिम्मेदार थे ना सर? अब इन दिनों में तो ऐसा नहीं है। आप तो आप ये भी बताइए, जब तीन तलाक का मसला आया तब कहा गया कि तीन तलाक की जरूरत नहीं है, हमारी हमारी हमारे धर्म की, हमारे धर्म का मसला है, हम देख लेंगे, ये भी कहा गया था। ये जो आज जो जिन औरतों को हाथ में तख्ती पर पकड़ाकर आप सड़क पर ले आए, उन्हीं में से कुछ औरतें थी जो नेगेटिव बोलती थी कि नहीं नहीं तीन तलाक की जरूरत नहीं है, तो वो तो उनके हक में बात थी ना। वही तो मैं पूछ रही हूं कि पूरा मसला जब जब प्रोग्रेसिव इंडिया की तरफ जा रहा है तो फिर उसमें रोक क्यों, टोक क्यों, और सिर्फ और सारा कुछ चुनाव में क्यों? माधुरी जी हमारा भारत एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, इस वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के अंदर अगर कोई भी अगर एक बैनर लेकर पोस्टर लेकर अपना प्रोटेस्ट करना चाह रहा है तो आप उसके ऊपर सवाल उठा रही है? नहीं 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 नहीं, आप मुझे नहीं नहीं, आप मेरी बात को मैनिपुलेट कर रहे हैं सर। नो, मैं ये नहीं कह रही हूं कि किसी के अधिकार को यहाँ छीना जाए, कोई अपनी बात ना रखे। मैं फिर कह रही हूं कि जो मुस्लिम बहनें हिजाब पहनना चाहती वो पहन रही हैं, जो नहीं पहनना चाहती, जिनको अपोज, जिन्होंने अपोज किया कि हमें स्कूल में भी पहनने दिया जाए, वो कोर्ट में है। मैं ये कह रही हूं कि दिल्ली में शाहीन बाग में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पूरा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करती है, मेरे रिपोर्टर्स वहां पे पूछ रहे हैं कि आपको पता है कि पूरा मामला क्या है, आप क्यों प्रोटेस्ट करने आई हैं? दे डोंट नो इवन, उनको नहीं पता है सर। ये तो परसों का ही मसला है ना, मैं आपको क्लिप भेजूंगी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इतना भ्रमित कर दीजिए किसी को, जैसा शाहीन बाग में
जब ये कहा गया कि एनटीसीए के खिलाफ बैठ जाइए आपकी, तो आपको तो घर से बाहर निकाल दिया जाएगा, आपको देश से बाहर निकाल दिया। अरे कहां निकाल दिया जाएगा, कौन सा ड्राफ्ट बन गया जिसमें ये लिखा था? लेकिन मुसलमानों को क्यों इतना भ्रमित कर देते हैं उनके ही लीडर्स? वैसी साहब तो 20% का ठेका ले रहे हैं यूपी में, क्या मैं गलत कह रही हूं अनिला जी? देखिए ऐसा है माधुरी जी, यहाँ पर मैं देख रही हूँ, लगातार देख रही हूँ जब से ये कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई है, कि यहाँ पर एक सारे मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे है ही नहीं। और वो क्यों नहीं है कि जो पढ़े लिखे दानिशमंद प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि मैंने खुद जो कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स हैं उनसे मैंने बात करी, क्योंकि मैं तो मुस्लिम स्कॉलर हूँ नहीं, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हिजाब का क्या रोल है। उन्होंने बोले हमारे धर्म में हिजाब का मतलब जिस प्रकार से जो ड्रेस कोड बनाया हुआ है ऐसा कुछ है ही नहीं, हिजाब का मतलब होता है बैरियर होता है, और बैरियर के रूप में वो दीवार तक भी हो सकती है। तो ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की तरफ से ये स्कार्फ लपेटने का एक तरीका शुरू किया महिलाओं का, ये अरब में भी नहीं था, अरब में भी, सऊदी अरब में भी इस प्रकार से कुछ नहीं होता है, बहुत सारे देशों में ये बैन भी है। तो केवल और केवल इसका एक राजनीतिक इसको तूल देना था, और बैन करने की बात कर रहे हैं अतिकुर रहमान साहब, तो सबसे पहले तो पीएफआई को बैन करवाइए, जो सीएफआई है जिसकी ये जो कुछ लड़कियां जो यहाँ पर एक एक्टिविस्ट बनकर उभर रही है वो सीएफआई से उनका कनेक्शन है, वही के कट कॉपी पेस्ट उनकी ट्वीट्स जो है इनके ट्विटर आईडी पर होती है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट को जो पीएफआई जब सुप्रीम कोर्ट को फैसिस्ट इंस्टीट्यूट बता देता है तो ये लड़कियां भी वही कहती हैं जो आज जी शेरनी बोला जा रहा है जिनको, या दुनिया अतिकुर रहमान बुलाइए स्क्रीन पे, कुछ कहना चाहते हैं? मुझको लगता है स्कूल कॉलेज पढ़ने की जगह, एक सेकंड जरा मैं बात पूरी कर लूं, बहुत देर बाद आई आप मेरे पास, तो मैं केवल ये कह रही हूँ जी, स्कूल और कॉलेज जो है पढ़ने की जगह है, महिला सशक्तिकरण करने की आवश्यकता होती है। नरेंद्र मोदी जी ने जब इंस्टेंट ट्रिपल तलाक क्रिमिनलाइज किया, या बिना किसी गार्जियन, बिना यानी बिना महरम के अगर महिलाएं हज को जा सकती हैं, उनको एम्पावर करने के लिए किया है, अलग अलग जो सोशल बेनिफिशियरी स्कीम्स है वो महिलाओं की जाति और धर्म देखकर नहीं दिया जा रहा। नहीं, मुझे सिर्फ इस पे एम्पावर हो रही है। सबसे बड़ी बात, बहुत शुक्रिया आपका हम लोगों का जुड़ने के लिए, मेरे पास वक्त बहुत कम है। आप जो कह रही है मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ, अभी भी यही कह रही हूँ कि ये पूरा मसला एक ड्रेस कोड का था, आपके स्कूल आपके कॉलेज में आपका संस्थान निजी सरकारी जो भी संस्थान है वो आपको क्या अलाउ कर रहा है। हम लोग भी स्कूल जाते थे, और ऐसा नहीं है कि कोई सिर्फ हिजाब पहन के एक ही धर्म के लोग रहते हैं, घूंघट भी लड़कियां निकालती हैं, घूंघट भी महिलाएं पहनती हैं, लेकिन उसमें अगर मैं ये कहूं कि नहीं स्कूल में भी आप घूंघट डाल लीजिए तो कोई भी टीचर अलाउ नहीं करेगा। सिर्फ एक ड्रेस कोड के मसले को धार्मिक रंग, और उसके बाद में उस पर पूरी राजनीति, और अब तो चुनाव में इतनी जबरदस्त तरीके से इसको घसीटा जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से आपका फायदा ही उठा पाए। सोचना आपके ऊपर है, सोच विचार करके विवेक से वोट दीजिएगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।